एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो चेक करते हैं, ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है -7, सी की वैल्यू दे रखी है 3। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -7 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 2 और सी है 3। तो डी इज इक्वल्स टू 49 माइनस 3 2 6 6 4 24, ये आ गया। तो डी इज इक्वल्स टू 525, डी की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी डी ग्रेटर है 0 से, ग्रेटर है 0 से, यानी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, हैंस रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, एंड रियल एंड सेम रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अब रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए और वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फार्मूला लिखना ज़रूरी है, फार्मूले के भी मार्क्स हैं पेपर में। एक्स इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2। तो एक्स इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। ये 5 कैसे आ गया, रूट 25 कितना होता है 4। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है, बस सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 एंड x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 12 अपॉन 4, यानी 4 3 जा 12। तो एक x की वैल्यू आ गई 3 एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, यानी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो एक x की वैल्यू आ गई 3, एक x की वैल्यू आ गई 1/2। रियल और डिफरेंट रूट्स थे, पॉजिटिव आ रही है, रियल मतलब डिफरेंट बोल रहे हैं, डिफरेंट ही वैल्यूज आ रही है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 2x² प्लस एक्स माइनस 4, इसको सॉल्व करना है, नेचर फाइंड आउट करना है। अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करिए, अदरवाइज वहीं रोक दीजिए। ए की वैल्यू दे रखी है 2, बी की वैल्यू दे रखी है 1 और सी की वैल्यू दे रखी है -4। बी की वैल्यू 1 कैसे आई, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो मींस 1 होता है बाय डिफॉल्ट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू b² - 4ac, डी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4। तो 1 प्लस 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ गई 33, यानी डी की कितना आ गया 33, यानी डी जो है वो ग्रेटर है 0 से, डी जो है वो ग्रेटर किससे है 0 से, यानी डी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर होता है 0 से तो उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स क्या है, रियल है और डिफरेंट है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पुट कर लेते हैं वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का b, यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33। डी कैसे आया, मैं ऑलरेडी d की वैल्यू यहाँ पर 33 निकाल चुका हूँ, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 33 माइनस b है अपॉन 4। यहाँ तक हमारा हो चुका है, बस अब इसके आगे हमें, अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको बस अलग अलग कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33, एक बार प्लस में लिखा एंड एक बार नेगेटिव वाला लिखा, रूट 33 अपॉन 4। अब इसके आगे ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हो गया। आंसर आप चाहें तो इस रूट को पॉइंट में भी ला सकते हैं, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये आंसर लिखेंगे तो बोर्ड में ये आंसर भी वैलिड है, कहीं आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर रूट में, यानी डिनोमिनेटर में अगर रूट होता तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता, वहाँ आपका आधा या एक मार्क डिडक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में रूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, ये मुझे दे रखा है 4x² प्लस 4√3x प्लस, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है 3 हमें सम दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स फाइंड आउट करिए, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करिए। तो डी, पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं, ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 4√3 और सी दे रखा है 3, हमने लिख ली वैल्यूज। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, b² - 4ac, डी इज इक्वल टू 4 का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 4 × 3। ठीक है, 4√3 का स्क्वायर, जब आप 4√3 का स्क्वायर करेंगे यूँ होता है सॉल्व, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, 4 को 4 से करेंगे आएगा 16, तो ये आ गया 48, तो ये आ गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 0।
अगर d जीरो के इक्वल है, यानी उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सेम रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड सेम, रूट्स जो है वो रियल आएंगे और सेम आएंगे, इस तरीके का हमने एग्जांपल में भी देखा था इससे पहले वाली वीडियोस में। सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रख दिया। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, माइनस 4 रूट 3 x की वैल्यू हो गई माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 4 टू जा 8, रूट 0 0 होता है पहले भी बता चुके हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, एक बार प्लस में लिख लेते हैं एक बार माइनस में लिख लेते हैं, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8। सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दिख रही है, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 4 टू द 8 4 टू द 8 तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, जो कि मेरा क्या है आंसर, यही मेरा आंसर था, मेरे x की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी और मेरी x की वैल्यू सेम आ रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सेम क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है 1 और c की वैल्यू दे रखी है 4, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4c, आप फार्मूला लगाइए और सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये वाला सम मैं नहीं करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी मदद, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, ठीक है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए, ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ये नहीं सारे क्वेश्चन हम करा दें या आप सारे देख कर लें या समझ के कर लें, आपको लगे हाँ भाई समझ आ गया है, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो अटक जाएंगे कहीं पे, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो आप ये खुद करेंगे।